साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। मेंटल रिटार्डेशंस, मेंटली डिस, मतलब वो पूरा ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कंप्लीट उसको बुद्धिमत्ता नहीं आएगी उसको, ठीक है ना। कोई चीज़ उसको समझेगी नहीं, पागल जैसे वो बिहेवियर करेगा वो, हम ऐसे बोल सकते हैं, पागल जैसे बिहेवियर कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उनका जो पोचर्स होता है, पोचर्स मतलब अपनी बॉडी का जो स्टेटस है, उसका बॉडी का स्टेटस, वो पोचर्स अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। मतलब झुक के चल सकता है या फिर आड़ा टेढ़ा चल सकता है, ठीक है। मतलब बॉडी की जो अपनी जो मतलब है ना, बॉडी का जो सिस्टम है वो एकदम, जैसे मेरा देखो ये मेरा पोचर्स है, मेरा ये मेरा बॉडी का पोचर्स है, ऐसा बॉडी का उसका पोचर्स नहीं रह सकता है, ठीक है। उसके बाद जो फेस होता है, फेस लार्ज होगा, मतलब बड़ा चंद्रमुखी जैसा ऐसा बड़ा चेहरा रहेगा ऐसा, ओके। उसके जो गाल फुगे फुगे रहेंगे, ओके। स्लैंटिंग ऑफ आईलिड्स रहेंगे बिकॉज ऑफ फोल्डिंग ऑफ द स्किन, फेस में जो स्किन है उसको इफिकेंथस ऑफ स्किन बोलते हैं, तो वो फोल्डिंग ऑफ स्किन होने की वजह से उनके आईलिड स्लैटिंग्स रहेंगी, ठीक है। आंखें बाहर निकली हुई रहेंगी, ठीक है। ऐसे सिम्टम्स है, ये पांचवा सिम्टम्स है। उसके बाद जो उसके पाम है वो ऐसे आर्क रहेंगे पाम, ठीक है। माउथ ओपन रहेगा और उसकी टंग जो होती है वो रोलिंग फॉर्म में होती है, प्रोट्रूड्स रहती है लाइक दिस, ठीक है ना। मतलब तो माउथ ओपन रहता है तो कंटिन्यूस सलाइवा रिलीज होते रहेगा, ठीक है ना, ओके। उसका जो स्कल का डेवलपमेंट है, स्कल का जो साइज है वो नॉर्मल से बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। स्कल का साइज छोटा है इसका मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो नोज जो होता है, नोज ये फ्लैट रहेगा, ठीक है, फ्लैट नोज रहेगा। तो इसी प्रकार के इसके ये सिम्टम्स हम बोल सकते हैं। तो ऐसा बच्चा कहाँ सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएगा, या सोसाइटी के लोग या फिर अपने फैमिली में ही अगर इस प्रकार का पेशेंट है तो दूसरों के मन में क्या विचार आएंगे, उसको किस प्रकार हम सर्वाइव करने के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सिम्टमेटिक जो केस है, ऐसे सिम्टम्स वाले जो बच्चे पैदा होते हैं वो उस खुद उसके लिए भी परेशानी होती है और दूसरे के लिए भी परेशानी होती है। तो इन लोगों को हमको प्रिवेंट, मतलब ऐसे पेशेंट मतलब पैदा नहीं होने के लिए हमको प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन क्या है बेटा, इसका कुछ नहीं है। मैं जो पहले शुरू में बोला ना, बायोलॉजी के क्लॉक को मेंटेन करो, प्रॉपर टाइम पे खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, घर में जो बनता है वही खाओ, दाल रोटी बस उसमें खुश रहो, ठीक है। फ्रूट्स लो, न्यूट्रिएंट्स लो अच्छे से, ठीक है। उसके साथ साथ तीन चार चार बजे तक मोबाइल नहीं देखना है, सोने से पहले मोबाइल बिल्कुल देखना नहीं है, 10 बजे टाइम डिसाइड करो को 10 बजे सोना है, 5 बजे या 6 बजे उठना ही है, एक टाइम डिसाइड करो, एक बायोलॉजिकल एक बॉडी को आदत लगा तब आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल रहेगा। इसके अलावा इसका दूसरा कोई मेडिसिन है ही नहीं, इसका कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है ना। बस आपका यही मेडिसिन है, ठीक है। नहीं तो इनफर्टिलिटी आ सकती है। अगर इनफर्टिलिटी नहीं आएंगी या आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो मे बी हैव अ चांसेस टू लाइक दिस, ठीक है, इस प्रकार के चांसेस हो सकते हैं। तो समझ बेटा, तो ये इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 21, देखो एग्जाम में पूछता है, एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ, तो 21st नंबर ऑफ क्रोमोजोम पे तीन क्रोमोजोम आ जाते हैं, यानी दो ही क्रोमोजोम होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, तो लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड हो जाता है। किस कितने नंबर पे? 21st नंबर क्रोमोजोम पे। 21st नंबर क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम है क्या? नहीं। ये कौन सा क्रोमोजोम है? ये है ऑटोसोमल क्रोमोजोम है, ठीक है, ठीक है। तो ऑटोसोमल क्रोमोजोम है तो ये डिप्लॉइड है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया, तो इसका फार्मूला हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ट्वाइस एन प्लस वन, डिप्लॉइड प्लस वन, ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, यानी ट्राइसोमी आएगी।
ठीक है, तो ये है डाउन सिंड्रोम। आपको सिम्टम्स भी बता दिया किस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम किस में आता है? ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी हम मूव होते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपको सबसे पहले हम मतलब मैं बताऊंगा आपको टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये जो डिसीज है ये डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। अभी चलो इसमें डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम कितने होंगे बेटा, वो बताना भूल गया मैं। डाउन सिंड्रोम में है ना, क्रोमोसोम नंबर कितना होगा बेटा? 46। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, उसमें एक्स्ट्रा एक आ गया तो कितना हो गया? 47 क्रोमोसोम्स हो गया। 47 क्रोमोसोम एबनॉर्मल है बेटा, 46 चाहिए, ठीक है ना। 46 चाहिए, हम पहले पढ़े कि 46 ह्यूमन बॉडी ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा आ गया मतलब एबनॉर्मलिटीज आ गई है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ये 47 होती है। चलो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, यहां पर डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। वहां एडिशन था, यहां पर होता है डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम में एक्स वाला क्रोमोसोम क्या होता है, डिलीट हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है। तो माइनस होगा तो बेटा क्या होता है, यस क्या होगा, कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी 46 नॉर्मल है माइनस 1 है, यानी कितना होगा क्रोमोसोम 45, ठीक है। 45 क्रोमोसोम्स आएंगे बस, 45 प्लस X0 हम ऐसा इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी एक क्रोमोसोम माइनस हो गया तो 45 क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। यानी एक यहाँ पर सॉरी 44, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे 44 प्लस एक्स यानी 45 होगा, ठीक है। टोटल कितने क्रोमोसोम होते बेटा, 45 होगा, यानी 44 प्लस एक्स 0 ये, ठीक है। ये पेयरिंग नहीं है, इसमें ना वाई है ना एक्स है, मैं 0 लिखा, ठीक है। तो 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम इतना ही क्रोमोसोम्स होता है, 46 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर 45 क्रोमोसोम्स होता है। इसमें टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करिए तो टर्नर सिंड्रोम आइदर मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। यहाँ पर चलो एक्स से लेके यहाँ पर 22 क्रोमोसोम तक ऑटोसोम है, उसके बाद डिसाइड होता है अगर एक्स एक्स है तो फीमेल रहेगा, तो फीमेल में एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, ठीक है। या फिर अगर वो मेल है तो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर एक्स एक्स तो एक क्रोमोसोम, ठीक है, अगर वो मेल है एक्स वाई तो उसमें एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट रहेगा तो ओनली वाई रहेगा, ठीक है। तो एक्स मतलब आइदर मेल और फीमेल में ये हमको डिसीज मिलता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है, एक्स क्रोमोसोम का डिलीशन नहीं रहता है तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, टर्नर सिंड्रोम। जनरली होता क्या है फिर इसमें, व्हाट आर द सिम्टम्स क्या आता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स क्या हो गए, तो वो जो सिम्टम्स हो गए मतलब फीमेनाइज कैरेक्टर्स होगा, तो उसमें जो उनकी जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ कम रहेगी, ठीक है। ह्यूमन फीमेल या ह्यूमन मेल होगा तो उसकी शॉर्ट स्टेचर रहेगा, मतलब ज़्यादा हाइटेड नहीं रहेंगे वो, उसकी ग्रोथ कम रहेगी।
दूसरी इम्पोर्टेंट चीज मतलब उसमें गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस ये एब्सेंस होती है, मतलब गैमेट्स नहीं बनेंगे। जब गैमेट्स नहीं बनते हैं तो इनफर्टिलिटी आ सकती है, इनफर्टिलिटी आती है। ठीक है, उनकी जो नेक होती है, नेक वेबिंग नेक होगी, वेबिंग नेक मतलब नेक जो होती है वो टेढ़ी रहेंगी, वेब लाइक स्ट्रक्चर होगा, वेबिंग नेक रहेगा। ठीक है, तो वेबिंग नेक है, इनफर्टिलिटी है यानी गैमेटोजेनेसिस एब्सेंस होगा, लो स्टेज मतलब डेवलपमेंट होता है बॉडी का वो कम होता है, मेंटल रिटार्डेशन पूरा, और ये लिख सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन मतलब इंटेलिजेंसी, नॉर्मल इंटेलिजेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार ये टर्नर सिंड्रोम की हम बात कर सकते हैं। तो इट्स वेरी बैड, है ना, ऐसे पेशेंट को हम लाइफ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज उनका जीने का कोई मतलब ही नहीं है। टर्नर मतलब क्या है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन क्या है कि उसमें लाइफ में वो क्या कर सकते हैं। ओके, गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट है, मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटली नॉर्मल नहीं है, ना लिख पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना समझ पाते हैं, व्हाट विल दे डू इन लाइफ, लाइफ में क्या करेंगे। तो इनको ऐसे ऐसे पैदा होने से हमको रोकना है, वो रिपीट नहीं करूँगा, कैसा आपको करना है, किस प्रकार आपको रहना है। चलो उसके बाद मैं बात करता हूँ, टर्नर सिंड्रोम के बाद मैं बात करता हूँ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की बेटा। ठीक है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, देखो ये भी एक ट्राइसोमी है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम मोस्टली ये मेल में होता है, लेकिन उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन लाइक फीमेल होता है। ठीक है ना, वो मेल है लेकिन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है ये फीमेल के होते हैं, मेल विथ फीमेनाइज्ड कैरेक्टर्स, मेल विथ फीमेनाइज्ड कैरेक्टर होंगे। यानी देखो मैं आपको ये बोला कि ये मेल है एक्स वाई, ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, मतलब फीमेल के कैरेक्टर्स दो एक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन्स पैदा होगा, कौन सा, इस्ट्रोजिन। ठीक है, जब इस्ट्रोजिन तैयार होता है ब्लड में, तो इस्ट्रोजिन ये फीमेल सेक्स कैरेक्टर को मेंटेन करेगा, फीमेल के कैरेक्टर को अपीयर करेगा। इस्ट्रोजिन का कंसंट्रेशन गाइनेकोमास्टी आएगा, गाइनेकोमास्टिया मतलब ब्रेस्ट इन मेल, मेल में ब्रेस्ट पैदा होंगे, मेल में ब्रेस्ट आएंगे, उसको गाइनेकोमास्टिया बोलते हैं, वो आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के मतलब वो मेल रहे, उनका जो सेक्स ऑर्गन कंप्लीट मेल का रहेगा, सेक्स ऑर्गन जो होता है वो कंप्लीट मेल का रहेगा, लेकिन ही इज नॉट एबल टू फर्टिलाइजेशन बिकॉज गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस एब्सेंस रहेंगे, गैमेट्स तैयार नहीं होंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि उनके जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस डिजनरेट टाइप रहेंगे, नॉट डेवलप नहीं होंगे, टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं होगा, छोटे छोटे टेस्टिस रहेंगे। ठीक है, उसको यूनोकॉइड बोलते हैं हम, यूनोकॉइड मतलब स्टराइल मेल, यूनोकॉइड। ठीक है ना, यानी वो अपना जनरेशन नहीं बढ़ा सकता है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो पुअर डेवलपमेंट होंगे। ठीक है, तो होता क्या है इस क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में, तो यहाँ पर देखो जैसे मानते कि एक से लेके के ये जो क्रोमोसोम्स है 22 ऑटोसोम्स है, यू नो वेरी वेल, उसके साथ साथ आपको अगर यहाँ पर अगर ये मेल है, ठीक है, तो मेल में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएगा, तो ट्राइसोमी हो गया। तो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा बेटा, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर 46 प्लस 1 तो कितना हुआ, 47 क्रोमोसोम्स हुआ, 47। यानी याद रखना, हम डाउन सिंड्रोम में भी देखे, डाउन सिंड्रोम में भी 47 क्रोमोसोम था, लेकिन वहाँ पर ऑटोसोमल था, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में एडिशन था, यहाँ पर हमको सेक्स क्रोमोसोम में एडिशन मिल रहा है, सेक्स क्रोमोसोम में एक्स एक्स वाई आ रहे हैं, यानी डबल एक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो यहाँ पर 47 क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम ये
तीन हो गए तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। तो ये भी एक ट्राइसोमी होते हैं, ठीक है ना। तो इसके सिम्टम्स आपको पहले बता चुका हूँ, सिम्टम्स क्या हो गए, ठीक है। याद रखना इसमें जो इंडिविजुअल बनता है वो मेंटली शार्प रहेगा, शार्प नहीं बोल सकते लेकिन नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल इंटेलिजेंसी प्रोड्यूस करेंगे, ये नॉर्मल इंटेलिजेंसी, ठीक है। यहाँ पर मेंटली एबनॉर्मल नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ समझना जरूरी है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम लाइक आप वो बोलते ना, जैसे आप रेलवे स्टेशन में जाते हो तो बहुत सारे जो मेल होते हैं वो साड़ी बीड़ी लगा के, यानी फीमेल के पूरे बाल करके पूरा साड़ी बीड़ी लगा के आते और तालियां बजाते और आपसे पैसे मांगते। हाँ, आपको आप क्या बोलते हो उसको, छक्के बोलते ना, ठीक है। वो सेम चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम वही चीज़ होती है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आने की वजह से उसके फीमेल के कैरेक्टर बन गए, फीमेल के जैसे बिहेवियर करना, साड़ी पहनना, सलवार सूट पहनना, मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना, ठीक है, ठीक है। तो ये उसका बिहेवियर है, वो उसका तो नेचुरली बिहेवियर आता है, वो खुद होके वो नहीं करते, वो उसका नेचुरली बिहेवियर आता है बिकॉज ऑफ दी क्रोमोसोम की वजह से। क्रोमोसोम क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम का पेयर होने की वजह से सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम बढ़ गया। तो सिम्टम्स क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट सिम्टम्स ये होगा, ठीक है, ये फिनोटिपिकली बिल्कुल मेल है, फीमेनाइज कैरेक्टर है, ठीक है। दे आर हाइटेड रहेंगे, पर्सनैलिटी वेल डेवलप रहेंगी इनकी, ठीक है। देन ब्रेस्ट डेवलपिंग होंगे, इसमें मेल है, आदमी है लेकिन ब्रेस्ट फॉर्म होते हैं उसको, ब्रेस्ट है इसका मतलब मेमोरी ग्लैंड भी रहती है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। एडिपोज टिश्यूज बढ़ जाते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फॉर्म होंगे। उसके साथ साथ इनकी जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस ये पुअर डेवलपमेंट होगा, तो टेस्टिस जब पुअर डेवलपमेंट होता है तो इसमें गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस यानी स्पर्म डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो मेल सेक्स ऑर्गन है लाइक पेनिस है ना, तो नॉन इरेक्टाइल पेनिस होगा, छोटा सा पेनिस रहेगा जो इज नॉट एबल फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता है, यानी वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ गैमेट नहीं रहेंगे, है ना, टेस्टिस में गैमेट नहीं रहेंगे और इरेक्टाइल मसल्स पेनिस में नहीं रहेंगे, तो वो जनरेशन को बढ़ावा नहीं देगा। लेकिन ये मेंटली नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल इंटेलिजेंसी रहते हैं, ये अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं और कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी गवर्नमेंट ने भी इनको परमिशन दिया है, कोई भी कॉम्पिटिटिव भी एग्ज़ाम में भी ये पार्टिसिपेट करेंगे, इनको भी एक पोस्ट दिया जाता है, ठीक है ना। ये थर्ड जेंडर जो होता है इनको भी एक पोस्ट दिया जाता है, वो भी सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं अगर दे हैव अ नॉर्मल मेंटेलिटी है, तो उनमें इंटेलिजेंसी अगर है तो। तो इसी प्रकार हमने ये तीन प्रकार के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखे। तो कौन सा सबसे पहले बेटा? टर्नर डाउन सिंड्रोम पहले देखा, वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर देखा, उसको ट्राइसोमी बोलते हैं। 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे उसमें एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और उसके नंबर ऑफ सिम्टम्स आपको देखने ही मिलते हैं। उसके बाद हम सेक्स क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस किए, तो उससे पहले टर्नर सिंड्रोम डिस्कस किया था, उसके डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी क्रोमोसोम नॉर्मल नहीं रहते, क्रोमोसोम एक कम हो जाता है, ठीक है, 45 क्रोमोसोम्स रहेंगे उसमें। और हम तीसरा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम देखा बेटा, जिसमें एडिशन ऑफ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है, जिसके वजह से 47 क्रोमोसोम का नंबर बन जाता है। तो ये एबनॉर्मलिटीज आती है, एबनॉर्मल क्रोमोसोम फॉर्मेशंस होगा, तो इसके वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं बेटा, ओके। सो दे आर वेरी डेंजरियस इन द सोसाइटीज, सोसाइटी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्स मतलब ये नहीं होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब ये अगर हाईली सोसाइटी को डेवलप करना है हमको, ठीक है, तो इस प्रकार के जो पॉपुलेशन मतलब एडिशन होगा पॉपुलेशन में, तो सोसाइटी अच्छे से डेवलप नहीं होती, मुझे ये यहाँ बताना है ना। डिसीज वाले लोग अगर एबनॉर्मल लोग का पॉपुलेशन अगर बढ़ गया तो बेटा कहाँ अपनी कंट्री चलेंगी, जो मेंटली एबनॉर्मल है जिनको पढ़ लिखना नहीं आता, अगर उनका पॉपुलेशन बढ़ गया
इंडिया में, तो कहाँ इंडिया प्रोग्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इनको हमको प्रिवेंट करना है, इनका ऐसा बर्थ नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमको जो मैं आपको जो स्टेप्स बता दिए, किस प्रकार रहन सहन करना है, किस प्रकार अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना है, अगर आप वो करेंगे बेटा तो इनफर्टिलिटी को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, जो आज की डेट में जो इनफर्टिलिटी आती है ना, मैं आपको बोला ना, अगर 10 लेडी अगर प्रेग्नेंट हैं आज की डेट में, 10 लेडी अगर प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, तो उसमें से 8 लेडी का एबॉर्शन हो जाता है और 2 ही लेडी बच्चे को जन्म दे सकती है। जहाँ तक कि उल्टा 20 साल पहले था, अगर 10 लेडी प्रेग्नेंट है तो 8 लेडी बच्चों को जन्म देती थी और 2 लेडी का एबॉर्शन होता था। क्यों? उस टाइम पे वो काम करते थे, अच्छे से रहते थे, उनका रहन सहन थोड़ा सा इतना एडवांस नहीं था जितना अभी का है। अभी क्या मॉडर्न, मतलब बहुत स्मार्ट युग हो गया, बहुत स्मार्ट। तो इसको हमको मतलब मेंटेन करना है, खुद को मेंटेन करना है, कभी भी सोना, कभी भी खाना, कभी भी पीना, इससे बॉडी का पूरा मैकेनिज्म बिगड़ जाता है, इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बेटा। ठीक है, तो कहाँ तक हमको इसको रोकना है, पॉपुलेशन में ऐसे लोग नहीं आना चाहिए, इसको प्रिवेंट करना है, तो हमको खुद को सबसे पहले इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो एक बार और बता दो जो इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, टाइम पे सोना है आपको, बिल्कुल एक टाइम डिसाइड करो, 10 बजे रात के 2-3-4 बजे तक मोबाइल नहीं देखना है, नहीं तो आज के बच्चे भी 3-3-4-4 बजे तक मोबाइल देखते हैं। ठीक है, और पढ़ाई नहीं करते, मोबाइल ही देखते हैं, उसके जो रेज होते हैं रेज के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, कभी भी खाना खाते हैं, खाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो प्रॉपर वे से खाना खाना है, प्रॉपर टाइम पे सोना है, प्रॉपर टाइम पे उठना है। अगर ये बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर हम अच्छे से मेंटेन करेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएंगी, इन्फर्टिलिटी रेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में इतना ही, तो इसको और बार बार देखो और समझने की कोशिश करो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं नीट में, आपके MHRCT में, और आगे भी आएंगे क्वेश्चन बेटा, तो इसको और रेफर करना है आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू।